हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय नेम इज कीर्तिका सिंगला एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल. तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज इन दिस वीडियो हम लोग कुछ जॉब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में क्या सिनेरियो चल रहा है अबाउट द जॉब थिंग. एंड लास्ट में हम लोग जो एक्चुअल में हायरिंग हो रही है फिजिक्स वाला में, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं आई विल शेयर विद यू दैट. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि आई एम नॉट अ एचआर पर्सन. मैं हायर नहीं कर रही हूँ, ठीक है? जो हायर कर रहे हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया है एंड इस जॉब पोस्ट के बारे में सारे डिटेल्स ली हैं मैंने, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज तो मैंने सब कुछ लिखा है, अपनी कॉपी पे लिखा है, सो दैट मैं कुछ स्किप ना कर जाऊं, बिकॉज इन द लास्ट वीडियोज कुछ ना कुछ कॉन्टेंट स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोग फिर बहुत सारे मैसेजेस करते हो, बहुत सारे डाउट्स पेंडिंग रह जाते हैं. सो इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा करेंगे, लॉन्ग बनेगी, सो दैट हर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो सके. ओके, सो व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो? फिजिक्स वाला इज हायरिंग फॉर फ्रीलांस ट्यूटर्स फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट दैट इज डाउट क्लियरिंग. ओके, सो आपको शायद पता ही है, जो इंजीनियर्स होते हैं हमारे, जो भी बीटेक जिन्होंने की होती है इंजीनियर्स, फॉर करंट सिनेरियो वो अपनी जॉब्स को क्विट कर रहे हैं एंड वो फ्रीलांस की तरफ जा रहे हैं. लाइक दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग जॉब्स. वो लोग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेते हैं कुछ टाइम के लिए एंड देन उस पर काम करते हैं. एंड हम ट्यूटर्स इस चीज पे क्यों पीछे रहे? व्हाई वी आर अहेड ऑफ दिस? हम इस चीज में क्यों पीछे हैं? हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने फ्रीलांसिंग ऑप्शंस हैं हमारे ट्यूटर्स के लिए. सी, हमने बीएससी की, हमने एमएससी की, हमने बीएड किया. हमने क्यों किया ये डिग्रीज? हमने स्पेशली ये डिग्रीज इसलिए की है बिकॉज वी वॉन्ट टू बिकम अ ट्यूटर्स, राइट? अगर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, दे वॉन्ट टू बिकम अ इंजीनियर, करेक्ट? तो हमारे ही प्रोफेशन कोई ऐसा ही नहीं है कि कोई भी टीचर बन सकता है. यस, बन सकता है, दैट्स राइट, बट हमने स्पेशलिस्ट में स्पेशलाइजेशन की है, बैचलर इन साइंस, मास्टर्स इन साइंस, बैचलर्स इन एजुकेशन किया है, सो दैट वी कैन बिकम द ट्यूटर्स. हम लोग बच्चों को पढ़ा सके, हमारे अंदर वो स्किल डेवलप किया हमने इतने ईयर्स में, सो दैट वी कैन टीच किड्स, राइट? तो हम उसका क्यों, हम उस चीज में पीछे क्यों है? वाई वी आर अर्निंग सो लेस एज अ ट्यूटर्स? हम लोग इंजीनियर्स रेडी कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर्स रेडी करते हैं, राइट? हम सब, वी ऑल ट्यूटर्स, वाई वी आर वेरी पीछे अबाउट अर्निंग थिंग? हम अर्निंग में पीछे क्यों है? हमें पीछे नहीं रहना है. वी हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली. यू नो, आई यूज टू वर्क इन अ चेक कंपनी एज अ फ्रीलांसर. तो चेक में क्या होता था, एक क्वेश्चन एडवांस मैथ्स का अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्वेश्चन करने के आपको अराउंड 160 रुपीज मिलते थे. एंड मेरे जो साथ में आप बोल सकते हो जो साथ में मेरे साथ फ्रीलांसर्स थे चेक के अंदर, वो एक एक महीने का 2-3 लाख जो है वो अर्न करते थे. यस, वो लोग इस फ्रीलांसिंग जॉब को फुल टाइम की तरह करते थे एंड दे अर्न अराउंड 2-3 लाख. यस, इतना इनकम है टीचिंग में. हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास एडवांस मैथ्स की नॉलेज है, हमारे पास एडवांस साइंस की नॉलेज है, तो हम क्यों नहीं उसको यूज कर रहे हैं? वाई वी आर नॉट यूजिंग इट? वी शुड वर्क एज अ फ्रीलांसर्स, ठीक है? इट्स गुड, हमारे पास एक फुल टाइम जॉब होना चाहिए, बट विद दैट ऑल्सो हमारे पास एक बैकअप जॉब्स भी होने चाहिए, हमारे पास कुछ फ्रीलांसिंग जॉब्स ऑप्शंस भी हमेशा होने चाहिए. एक कमेंट आया था कि आप लोग पार्ट टाइम जॉब्स मत ज्वाइन करो, ये रिलायबल नहीं है. बिल्कुल नहीं है. आप पार्ट टाइम छोड़ो, जो फुल टाइम ऑनलाइन जॉब्स है ना, मैंने काम किया है इन अन अकेडमी एज अ प्लस एजुकेटर. प्लस एजुकेटर अन अकेडमी में सबसे टॉप कैटेगरी है फॉर अ ट्यूटर, सबसे अच्छा जॉब है, सबसे हाई पेइंग जॉब है एज अ फॉर अ प्लस एजुकेटर. बट उसका भी कुछ रिलायबिलिटी नहीं थी. हम क्यों किसी एक जॉब पे डिपेंड रह रहे हैं? वाई वी आर डूइंग ओनली वन जॉब? वाई वी आर नॉट डूइंग फ्रीलांसिंग? मैंने हमेशा बात किया, हर कंपनी आपको बात करती है आपसे कि आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए. जैसे जब भी ट्रेनिंग होती है टीचिंग की, तो उसमें बोलते हैं मल्टीटास्किंग आनी चाहिए. आपको बच्चों को हैंडल भी करना है, कंटेंट भी कवर करना है, आपको हर चीज करनी है ड्यूरिंग दैट वन आवर, करेक्ट? तो वो चीज अगर हम क्लासरूम में अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, वही चीज हम अपनी लाइफ पे अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग ड्यूरिंग अ जॉब हम लोग और चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई वी आर नॉट डूइंग अ मल्टीटास्किंग?
वाई वी आर डिपेंडिंग ऑन अ वन जॉब ओनली. जब मेरा अनअकेडमिक जॉब जो है वो छूटा था, उसके बाद भी मेरे पास बहुत कुछ था करने के लिए, बिकॉज उसी टाइम पे मैंने बैकअप्स रखे हुए थे, मैं उसी टाइम पे कुछ ना कुछ कर रही थी सो दैट मुझे प्रॉब्लम ना आए. मेरी बहुत बार जॉब्स वेदांतु में मैंने बहुत बार छोड़ी हैं या चेंज की हैं, बट मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आया बिकॉज आई ऑलवेज हैव अ बैकअप. आपके पास भी होना चाहिए, यू शुड हैव दैट. ओके, सो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छी अर्निंग है, बहुत अच्छी अर्निंग है, तो बिंदास फुल टाइम के साथ फ्रीलांसिंग जॉब्स करो. एक्चुअली फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है, जो एक पर्सन अपना एक प्रोफेशन को परस्यू करता है किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ. मीन्स आप किसी भी कंपनी के साथ कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहे हो लॉन्ग टर्म, नो. आप लोगों ने एक सिर्फ फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है दैट ओके, जब मेरा मन करेगा, जब मुझे टाइम मिलेगा, आई विल वर्क ऑन योर प्लेटफॉर्म और अ प्रोजेक्ट. और जो फ्रीलांसर्स को वो हायर करते हैं वो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हायर होते हैं. जैसे अभी जो सबसे ट्रेंडी प्रोजेक्ट चल रहा है हर एडटेक कंपनी में, दैट इज डाउट क्लियरिंग प्रोजेक्ट. अनअकैडमी में ये काफी महीनों से चल रहे, अराउंड 8 to 9 months से अनअकैडमी में चल रहे हैं. बट यस, ये धीरे धीरे हमारे बायजूस फिजिक्स वाला कंपनी ये सभी जो है मतलब अभी स्टार्ट कर रहे हैं. राइट, अभी फिजिक्स वाला ने स्टार्ट किया है डाउट क्लियरिंग प्रोजेक्ट, और बायजूस भी हायर कर रहे हैं डाउट क्लियरिंग ट्यूटर्स के लिए. लास्ट वीडियो में मैंने सेंड किया था, वो भी एक फ्रीलांसिंग जॉब ही है बेसिकली, वो भी एक डाउट क्लियरिंग ही है. ओके, और स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट भी एक तरह से डाउट क्लियरिंग प्रोफाइल ही है. तो बायजूस भी बहुत टाइम से इस पे काम कर रहे हैं. एंड नाउ, और चेक बेसिकली जो चेक है वो तो कितने टाइम से, कितने उन्होंने तो प्रोजेक्ट, उनका तो मेन प्रोजेक्ट ही ये है बेसिकली. उन्होंने नाम दिया हुआ है कि हाँ, जो भी क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट, उन्होंने नाम दिया हुआ है इस चीज को, बट वो भी डाउट क्लियरिंग है. अगर किसको कोई डाउट्स आते हैं वो प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर देते हैं एंड वी आर आंसरिंग इट. तो चेक भी इस चीज पे, उनका जो मेन मोटिव है दैट इज क्यूए एक्सपर्ट, और ही इज दे आर अर्निंग वेरी वेल, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये उनका. राइट, और वो ट्यूटर्स को भी बहुत अच्छा पे करते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है. तो देखो इस पे स्मार्टली कैसे काम करना है. अभी मैं आपको आज तो फिजिक्स वाला का डाउट क्लियरिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी जिसको आप अप्लाई कर दोगे, बट हमें एक प्रोजेक्ट का थोड़ी अप्लाई करेंगे. फ्रीलांसिंग है, हमारे ऊपर है, जितने मर्जी प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करो. डू अप्लाई टू अनअकैडमी, डू अप्लाई इन बायजूस, डू अप्लाई इन चेक, इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन. चेक के बारे में भी मैंने वीडियोज में बहुत बार बात किया, अनअकैडमी की भी किया, बायजूस की तो हम करते ही करते हैं, बायजूस की तो हमें करनी है, वी आर इन बायजूस बिकॉज. राइट, तो आज हम फिजिक्स वाला की बात कर रहे हैं, बट इन सारी कंपनीज में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सो डू अप्लाई इन दीज एज वेल. एक साथ सभी टैब्स ओपन करो जिसमें क्वेश्चन ईजी आता है, डू अटेम्प्ट इट एंड अर्न द मनी. दिस इज अ फ्रीलांसिंग, जहां पे जिस टाइम लगता है प्रोजेक्ट सही चल रहा है, ईजी है, वी कैन सॉल्व इट, गो हेड विथ, अप्लाई करो. दिस इज फ्री एब्सोल्यूटली, और इसका हायरिंग भी इतना मुश्किल नहीं होता है, वेरी डिसेंट एंड ईजी हायरिंग, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो. ओके, ठीक है. तो अभी ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं कि अगर आपके पास परमानेंट फुल टाइम जॉब नहीं है, यू कैन डू फ्रीलांसिंग एंड अर्न मोर देन अ फुल टाइम ट्यूटर. यस, You can absolutely earn. If you have caliber, अभी full time आपका set नहीं आ रहा है, work from home है, work from office है, whatever आपकी setting नहीं आ रही है, please go ahead with doubt clearing educator. आपको उस पर भी बहुत फायदा होगा because you will learn a lot of things. आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Okay? तो हम लोग जो physics वाला की hiring हो रही है doubt clearing के लिए, वो हम लोग discuss कर लेते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे screenshot add कर दूंगी, जो भी उनका detailed, जो भी वहां पे डिटेल्स थी उस पोस्ट में, वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी. बट उसके अलावा मैंने डायरेक्ट एचआर से कांटेक्ट किया है एंड इस प्रोफाइल के लिए पूरी की पूरी डिटेल्स ली है, पूरा प्रोजेक्ट मैंने उनसे डिस्कस किया है कि थोड़ा सा बता दो, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड एंड फॉर मी एज वेल टू एक्सप्लेन. क्योंकि जो चीजें ऑलरेडी लिंक्डइन पे है, जो जॉब हायरिंग ऑलरेडी हो रही है, वो तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो. व्हाट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू रिक्वायर, वी विल डिस्कस दैट ऑन दिस चैनल. ओके, सो सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है उसमें जो हायरिंग है वो कितने लोगों की होगी, कितने एम्प्लॉयज की हायरिंग है, दैट इज 80 फ्रीलांसर्स. इस प्रोजेक्ट के लिए, डाउट क्लियरिंग प्रोजेक्ट के लिए, दे रिक्वायर्ड 80 फ्रीलांसर्स. ठीक है,
और हायरिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी अराउंड 20 ऑफ जून। आई थिंक ये वाला वीडियो आपको मिलेगा 13 और 14 जून को, एंड हायरिंग स्टॉप हो जाएगी 20 ऑफ जून को मैक्सिमम मिनिमम राइट। उससे में भी एक दो दिन एक्सटेंड हो सकते हैं, बट दे सेड कि 20 तक हमारे पास मैक्सिमम रिज्यूम्स आ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट हायरिंग टू द पीपल्स। ये कम्प्लीटली फ्रीलांसिंग है। आप कोई फुल टाइम जॉब करते हो, आप कहीं और काम करते हो, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्टर, दे हैव नो प्रॉब्लम, ओके, नो बाउंडेशन, नो टाइमिंग, नथिंग। वट एवर टाइम यू विल हैव, जब टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं मिलता है मत करो, दैट्स अ फ्रीलांसिंग जॉब। ओके, इसमें दो कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज ग्रेड 6 to grade 10, सेकेंड कैटेगरी इज ग्रेड 11 and grade 12। ठीक है, जो K10 वाला है, दैट इज ग्रेड 6 to grade 10, इसकी हायरिंग अभी नहीं हो रही है। इसके लिए फ्रीलांसर्स की हायरिंग अभी नहीं हो रही है, इट इज ऑन होल्ड। मे बी आफ्टर 20 या 25 डेज, जब ये वाला हायरिंग स्टॉप हो जाएगा और सब कुछ काम फ्लो में चलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है कैटेगरी 6 to 10 की हायरिंग स्टार्ट होगी, एंड आई विल इन्फॉर्म यू वेन एवर दे स्टार्ट हायरिंग फ्रीलांसर्स फॉर दैट प्रोफाइल। ठीक है, बट जो करंटली चल रही है, दैट इज फॉर ग्रेड 11 and grade 12, और इसमें जो हायरिंग है दैट इज जेई नीट एडवांस एंड जेई नीट, जेई एडवांस एंड जेई मेन्स। ठीक है, और कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है ये प्रोफाइल, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम है। पेमेंट की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द पेमेंट, तो ग्रेड 11 and 12, ओके जस्ट अ सेकेंड, यस, सो ग्रेड 11 and 12 जो जेई मेन्स है, राइट, जो जेई मेन्स है उनके लिए दे विल पे यू ₹80, ओके, फॉर जेई मेन्स ₹80 पर क्वेश्चन, एंड मैथ्स, जूलॉजी, बोटनी एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं दे नीड फ्रीलांसर्स, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बोटनी। ठीक है, फॉर जेई मेन्स द पेमेंट विल बी ₹80, एंड फॉर जेई एडवांस, अगर आप जेई एडवांस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, पेमेंट विल बी ₹100 पर क्वेश्चन, एंड नीट, फॉर जेई नीट और बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए इट विल बी ₹60। ठीक है, तो दिस विल बी द पेमेंट, जेई मेन्स 80, जेई एडवांस 100, एंड फॉर नीट वंस इट विल बी 60। ठीक है, तो दिस विल बी द पेमेंट। आप अगर अप्रोक्सीमेटली लगाओ, बोनस भी होता है इन चीजों में ना, डाउट क्लियरिंग वालों में बोनस भी होता है, तो अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी रेटिंग्स मिल रही है, तो इसका बोनस भी होता है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें, तो अगर एक दिन में आप सपोज 10 to 12 क्वेश्चंस करते हो, आराम से हो जाते, इतना लेवल हाई नहीं होता है, 10 to 12 क्वेश्चंस करते हो, देन यू विल अर्न 800 to 1000, ओके, एंड इन अ मंथ यू आर एबल टू अर्न 30K 40K, ये भी मिनिमम अगर आप करते हो। बट अगर इसी को आप एज अ फुल टाइम करते हो कि मुझे तो 8 घंटे देने हैं, इट्स अप टू यू, आप जितना मर्जी अर्न कर सकते हो फिर तो, करेक्ट, जितना मर्जी। अब इसके, इस जॉब के लिए आपको चीजें क्या क्या चाहिए, व्हाट मटेरियल यू रिक्वायर्ड, लैपटॉप यू नीड, वाईफाई यू नीड, वेब कैम इज ऑप्शनल, अगर लैपटॉप कैमरा अच्छा है देन दैट इज ऑप्शनल, एंड पेन टैबलेट, मेन इज पेन टैबलेट, पेन टैबलेट इज रिक्वायर्ड। अब अगर आपके पास पेन टैबलेट है, गुड टू गो, वेरी गुड, ओके, अगर नहीं है बट यू वॉन्ट टू परचेज, बट कन्फ्यूजन है कौन सा परचेज करें, कैसे परचेज करें, कमेंट कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू 3 to 4 types ऑफ पेन टैब्स, आई हैव एक्चुअली डिफरेंट ब्रांड्स, एंड रेटिंग्स हम उनकी डिस्कस कर सकते, मतलब रेटिंग्स और उनका कौन सा पेन टैब आपको परचेज करना चाहिए वो डिस्कस कर सकते हैं, आई कैन प्रोवाइड यू लिंक टू परचेज दैट, तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दिस इन द नेक्स्ट टाइम, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लास्ट थिंग इज, हमने पेमेंट डिस्कस कर ली, कैटेगरी डिस्कस कर ली, वर्क फ्रॉम होम, मटेरियल हमने डिस्कस कर लिया, कितनी पोजीशंस हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। लास्ट इज सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको अपलोड करना है डेमो वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड अ लिंक, जिसको क्लिक करके आपको डेमो वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, आपको उसमें मटेरियल दिया हुआ है, कैसे अपलोड करना है, क्या अपलोड करना है, क्या क्वेश्चंस अपलोड करने हैं, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड देयर, तो उस लिंक को क्लिक कर लेना,
एंड यू विल फाइंड कंप्लीट डिटेल्स। उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म, जिसके अंदर आपको अपनी जो वीडियोज आप बनाओगे, ठीक है, गूगल ड्राइव में अपलोड करोगे, उसको उसके लिंक्स उस वीडियो में डालने हैं, गूगल फॉर्म में डालने हैं। ऑल्सो उसमें एक ऑप्शन है, दैट इज जेई नीट या फिर IIT जेई या मेन्स एडवांस। आप अगर क्लियर है तो रैंक लिखो, और कौन सा एग्जाम क्लियर है वो लिखो। तो अगर आपका नहीं क्लियर, एवरीवन, नो नीड टू राइट देयर, जस्ट राइट NA, नॉट एप्लीकेबल। ओके, अगर मैंने इस बात बारे में उनसे बात की थी कि मेरा तो नहीं क्लियर है, बट आई एम मास्टर्स, राइट, एंड आई हैव गुड कमांड ओवर मार्क्स, एंड आई कैन अप्लाई फॉर इट, आई कैन सॉल्व जेई मेन्स एडवांस, सो दैट्स इट। वो कॉलम कंपलसरी नहीं है, यू कैन राइट देयर वॉट एवर टेस्ट यू हैव क्लियर। आई हैव क्लियर्ड माई टीचिंग सब्जेक्ट्स, राइट, टीचिंग एग्जाम्स, सो आई कैन राइट फॉर देम एज वेल। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, तो आप जितना मर्जी उस पर लिख सकते हो, ठीक है? या ठीक है, तो दैट्स इट। अगर आपको इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि वीडियो कैसे बनानी है, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है, पेन टैप कैसे यूज करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, वी कैन वर्क ऑन इट। हम लोग वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू दैट, बिकॉज दिस वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो गया है। सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट, वी आर ट्यूटर्स, दिस वर्क इज फॉर अस, दिस प्रोफाइल इज फॉर अस, ये हमारा जॉब है, एंड वी हैव अ राइट, वी डिड ग्रेजुएशन, वी डिड पोस्ट ग्रेजुएशन टू बिकम अ टीचर। सो मेक प्रैक्टिस, पढ़ाई करो, रिविजन्स करो, गो फॉर इट, अप्लाई। And in the next video, in the upcoming videos, मैं बहुत कुछ और भी share करूंगी, but make sure to support me, okay? नीचे नहीं करना है कि क्या ही हो जाएगा, क्या ही, if one person, अभी मैंने बायजूस में भी, there are so many people who get hired because of the channel, so अगर एक भी hire होता है, then it's win for me, okay? तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बहुत सारी और वीडियोज आएंगे, बट येस, ऐसे वैसे कोई वीडियो नहीं आएगी, मतलब जो एक्चुअल में हायरिंग होती है, एक्चुअल में कुछ पोजिशंस होती है, मैं तभी वीडियो डालती हूँ, कुछ भी प्रोफाइल्स देखकर मैं वीडियो डालना प्रेफर ही नहीं करती हूँ, इसीलिए डिटेल्ड वीडियो ही आती है। और डू शेयर दिस वीडियो प्लीज, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट हिट लाइक बटन, इफ यू हैव एनी क्वेरीज